एक और मामला सामने निकल कर आया है। आपको बता दूं कि आफताब नामक युवक ने हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके बाद उसके 35 टुकड़े करके जंगल में अलग अलग जगहों पर दफना रहा था। लगभग 5 महीने के बाद जो है वो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। राकेश बजरंगी इस समय मेरे साथ है। राकेश, पहले तो मैं ये सुन के ही हैरान हूँ कि 5 महीने लग गए, 5 महीने बाद जो है उस हथियारे को गिरफ्तार किया गया है। लव जिहाद कहाँ तक पहुँच गया? देखिए, लव जिहाद एक बड़ी दूर पहुँच चुका है। इसको सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया। हम कितनी बार प्रदर्शन कर चुके हैं, केंद्र सरकार को जगाने का काम कर चुके हैं कि केंद्र सरकार जो है वो लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर सख्त कानून बनाए। यूपी ने धर्मांतरण के ऊपर कानून बनाया, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया। इससे पहले भी हिंदू युवतियां कितनी ही इसकी शिकार हो चुकी हैं। ये शारदा पहली युवती नहीं, इससे पहले एक जो है पंजाब की घटना है, जो यूपी में एक सूटकेस के अंदर युवती जो है वो मृत जो है पाई गई थी। उससे पहले एक युवती जो होटल के अंदर जिसकी गला रेत कर हत्या की गई। उसके अलावा दिल्ली के अंदर कितनी घटनाएं जो है वो हुई है। प्रदेश के कई प्रदेशों में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और लगातार हिंदू समाज एक मांग करता रहा है कि इसके ऊपर लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर सख्त कानून बनाया जाए। इस प्रकार की घटनाएं जब होती हैं तो बुद्धिजीवी नेता ये खामोश हो जाते हैं। खासकर मैं अगर अवेसी भाइयों की बात करूं, उनकी कोई टिप्पणी नहीं आती, महबूबा मुफ्ती की भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं आती है। देखिए, वो किस प्रकार से बोलेंगे, उनकी तरफ से तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो है शह देने का काम जो है वो चलता है और लगातार उन युवाओं को बचाने का काम जो है कानून के शिकंजे से ये लोग करते हैं। हम सरकार से ही मांग करते हैं कि सरकार जब तक इसके ऊपर सख्त कानून नहीं बनाती, ये नहीं रुकेगा। हिंदुओं का दम भरने वाली ये सरकार, भाजपा जो केंद्र के अंदर है, जो हिंदुओं का दम भरती है, मुझे बड़ा दुख होता है कि वो अभी तक इसको कानून को जो है वो केंद्र में नहीं ला सकी। क्या है कि क्या कारण क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वोट बैंक देख रही है कि अगर हम इस प्रकार का कानून लव जिहाद के खिलाफ अगर कोई कानून ले आएंगे तो हमारा वोट जो है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। देखिए, 25 करोड़ मुसलमानों का वोट पाने के लिए ये सारी जो है वो खेल खेला जा रहा है। कोई उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहता, सभी को उनके वोट चाहिए, क्योंकि हिंदू जो है वो तो भाजपा को ही वोट करेगा। उनको लगता है कि हिंदू जो है वो हमारे विरासत का है, हम हिंदू जो है वो उन्हीं को वोट करेंगे, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। ऐसे कई भाजपा के नेता बोल भी चुके हैं कि हिंदुओं के पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो उसके अलावा इनको लगता है कि उनका भी वोट हम लेंगे और केंद्र में आराम से बैठते रहेंगे। लेकिन अब हिंदू जागृत हो रहा है, हिंदू अपनी बहू बेटियों को इस प्रकार से मरते हुए नहीं देखेगा। तक ये लव जिहाद कब तक इसी प्रकार से जो है मासूम बच्चियों की जान लेता रहेगा? देखिए, भाजपा के एक नेता हैं अश्विनी उपाध्याय जी, जो एडवोकेट भी हैं, उन्होंने एक PL जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिसकी सुनवाई जो है 28 नवंबर को इसी महीने है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है कि केंद्र सरकार से, उन्होंने कहा है कि आप बताएं कि आप इस लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने के लिए किस प्रकार से कानून बनाएंगे, वो आप सबमिट कीजिए। उसके पेपर जो हैं वो 23 नवंबर को सबमिट करने के लिए उन्होंने समय दिया है। लेकिन सरकार ने पहले भी एक डेट दी थी पिछले महीने की अक्टूबर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया। कहीं ना कहीं लगता है कि केंद्र सरकार जो है इसके ऊपर डीला रवैया अपनाए हुए है, वो मुस्लिम वोट बैंक को उनको दुखी नहीं करना चाहती और उनसे कोई भी बैर मोल नहीं लेना चाहती। लेकिन हिंदू अब चुप बैठने वाला नहीं है। हिंदू वोट देता है भाजपा को तो काम भी मांगेगा। अपनी बहू बेटियों को बचाने का काम जो है हिंदू खुद भी कर सकता है, लेकिन वो कानून को जो है वो प्रेफरेंस देता है कि कानून के दायरे में रहकर हम ये काम को अंजाम दें। लेकिन अगर केंद्र सरकार इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाने की पहल नहीं करती तो हिंदू खुद बचाएगा। तो ये सरकार को सीधी सीधी चेतावनी हमारी कि सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर कानून लाए। जब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इसके ऊपर सख्त कानून होना चाहिए, तो फिर किस बार की देरी है? क्यों हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है? क्यों हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम जो है केंद्र सरकार कर रही है, इस प्रकार का कह रहा है राकेश बजरंगी का। और आफताब नामक ये युवक
जिसने लव जिहाद किया और श्रद्धा नामक युवती के साथ पहले उसको अपने झांसे में फंसाया, प्यार का झांसा दिया और जब शादी की बारी आई तो तब इस आफताब नामक युवक ने उस श्रद्धा नामक युवती के 35 टुकड़े करके जंगल में अलग अलग जगहों पर छुपाने की कोशिश की और बाकायदा वो 35 टुकड़े ख़राब ना हो इसलिए एक बड़ा सा फ्रिज भी ख़रीदा, उसमें रखा और अब जाकर जो है वो पुलिस के शिकंजे में है। और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन और लव जिहाद पर एक कड़ा कानून आना चाहिए। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स, मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।